दोस्तों नमस्ते, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज होगी बात स्वरोजगार की और आपके लिए मैं आ पहुंचा हूं स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री में जो लघु उद्योग की मशीनों की डील करते हैं। आज मैं जो जानकारी देने वाला हूं बिल्कुल घर पर रह करके जो काम आप शुरू करना चाहते हैं तो उसी विषय पर आज की जानकारी आपको मिलेगी। और हमारे सामने बहुत सारी मशीनें हैं और ये दोस्त मशीन वैसे लोगों के लिए है जो आटा का बिजनेस करना चाहते हैं, सत्तू मैदा और बेसन का बिजनेस करना चाहते हैं और मसाले का बिजनेस करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह का बिजनेस आप घर पर भी छोटे से कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज काफ़ी कुछ जानकारी आपको इसके मशीन के विषय में मिलने वाली है और हर तरह की मशीन के बारे में आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ झा सर हैं तो जो डीपली जानकारी आपको लगभग 8 से 10 मशीनों की इस वीडियो में देंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है आपका नीरज जी। सर आज हर किसी के पास उतना पैसा नहीं है, हर कोई चाहता है कि हम पलायन नहीं करें, हम अपने घर पर रह करके कुछ रोजगार करें, स्वरोजगार करें। तो हमारे सामने ये जो मशीन है बहुत सारे लोग करना चाहते हैं आटा सत्तू बेसन का मसाले का बिजनेस और घर पर रह करके, तो इस मशीनों के द्वारा कैसे शुरू कर सकते हैं जी? देखिए सर, आप लोगों ने वैसे बहुत सारे बिजनेस के बारे में सोचा होगा लेकिन हम एक कम से कम पूंजी में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। बहुत लोग होते हैं कि जो पूंजी ज़्यादा लगाना नहीं चाहते हैं, 1-2 लाख रुपए का आटा चक्की मशीन, मसाला मशीन, अब उसके लिए अलग मसाला मशीन के लिए अलग चाहिए, धान राइस बनाने के लिए अलग मशीन चाहिए, आटा पीसने के लिए अलग मशीन चाहिए। हम एक बहुत सारे कम बजट में बहुत अच्छी अच्छी मशीन लेके आए हैं जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। एक मशीन हम ऐसा भी लेके आए हैं जिसमें 3-in-1 वर्क करेगा, जिसमें आप राइस भी बना सकते हैं, आटा भी पीस सकते हैं और मसाला भी बना सकते हैं। एक ही मशीन से आटा भी पीस सकते हैं, मसाला भी पीस सकते हैं और धान जो हम लोग बिहार में कहते हैं धान की कुटाई भी हो सकती है। हो सकती है बिल्कुल, तीनों कॉम्बो 3-in-1 3-in-1 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सामने जो ये दर्शक देख रहे हैं ये 3 मशीन है या और भी बहुत सारा आपके गोडाउन में भी है? ये जो मशीन है ये बहुत ही कम रेंज में, यानी 25 से 30 हज़ार की रेंज में आप SS बॉडी के अंदर ये मशीन हम लाए हैं। इसमें क्या है कि 3 HP का मोटर है, मशीन में लगे हुए 3 HP की मोटर है, प्लस इसके अंदर क्या है कि आप कॉम्बो है, इसमें आप मसाला भी पेपलाइजर मशीन बोलते हैं जिसके अंदर क्या है कि मसाला भी पीस सकते हैं और जैसे गेहूं को आपने आटा में कन्वर्ट करना वो भी कर सकते हैं। सारा कुछ काम इस मशीन के द्वारा आपका होगा। यहाँ पर अलग अलग साइज की सर मशीन है। क्या ये जैसे 3 HP की मशीन है ये, जैसे कि इस मशीन के अंदर क्या है कि आप कहीं भी छोटे से घर में भी इसको लगा के प्लग एंड प्ले है, सीधा प्लग में लगाइए और चालू कीजिए, इसे कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, कोई इसको आपको कोई ऑपरेटर की जरूरत नहीं है। 3 HP के बारे में बताया और यहाँ पर 5 HP भी है। और एक और है सवाल कि सर इसमें जाली भी लगती है तो क्या अलग अलग अनाज के लिए अलग अलग सामान के अलग अलग जाली का इस्तेमाल होगा और वो क्या ये मशीन के साथ ही आप देंगे या फिर अलग से लोगों को लेना पड़ेगा? नहीं, ये हम आपको मशीन के साथ ही देंगे। देखिए ये विभिन्न तरह की जाली है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह की जाली हम मशीन के साथ ही देंगे आपको। इसमें क्या है कि 0 साइज से आपको स्टार्ट करना है और जितने जिस साइज़ का, मान लीजिए आपको बेसन पीसना है, गेहूं पीसना है, मसाला बनाना है, मक्का पीसना है, सब तरह के लिए साइज दिया हुआ है। उसके लिए हमारे पास उसमें सारा को इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है किस जाली को कहाँ पे यूज़ करना है। एक और सवाल से आपने बताया कि ये मसाला भी पीस सकती है जी, बिल्कुल। तो हल्दी काफ़ी कड़ा होता है, मसालों में सबसे कड़ा जो है जो आइटम होता है वो हल्दी होता है, क्या ये हल्दी पीसने में सक्षम है? बिल्कुल, आप ये बेसिकली वैसे मेन जो फोकस है ये मसाला के लिए है। इसमें आप आराम से हल्दी पीस सकते हैं, धनिया पीस सकते हैं, मिर्च पीस सकते हैं, हर तरह का आप इसमें मक्का बेसन सब कुछ काम का मल्टीपल काम होगा इसमें आपका। यानी कि अगर कह सकते तो कोई भी साधारण व्यक्ति जो जिनके पास 40-50 हज़ार रुपया अगर हो तो इन मशीनों के द्वारा अपना स्वरोजगार कर सकता कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए इसका पर आवर मान लीजिए आपने 30 हज़ार में एक मशीन परचेज किया, इसका पर घंटा प्रोडक्शन है 30 kg पर घंटा, आराम से आप अपना इसको लगाइए और बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। और 5 HP का, उसके बाद 5 HP की रेंज में हमारे पास, उससे अगर हैवी में आपको चाहिए तो 5 HP का है, इसमें फिर 7.5 HP है, 10 HP है, 10 HP में बहुत सारा मॉडल है, हमारे पास विभिन्न तरह की मशीनें सारी आपको मिल जाएगी। इसमें जैसे प्रोडक्शन का फर्क है, 3 HP से ज़्यादा प्रोडक्शन आपको 5 HP मिलेगा, 50 से 60 kg, जैसे इसके अंदर आपका ये सिस्टम दिया हुआ है। सबसे बड़ी खासियत इस मशीन की ये है कि एक तो ये पूरे SS बॉडी के अंदर है, प्लस इसके अंदर हैमर सिस्टम दिया हुआ है। आपको इसमें पहले क्या होता था, बहुत सारे चक्की वगैरह में देखना होता, पत्थर का रहता था, कूटने का झंझट रहता था, ये सब कुछ नहीं है। इसमें आप सिंपल चीज़ है कि इसमें आप जिस साइज का आपको निकालना है वहाँ जाली लगा दीजिए
और इसको अपना ऑटोमेटिक वहाँ पे डालिए, अपना गेहूं डालिए, मसाला डालिए और उसको चालू कर दीजिए, प्रोडक्शन चालू आपका। यानी कि सर आपके यहाँ 3 HP से लेकर के 10 HP तक की पल्वराइजर मशीन उपलब्ध है, जैसा सामने वाले का बजट होगा उसी हिसाब से वो मशीन खरीद सकते हैं। 25 से 30 हज़ार से स्टार्ट करिए, 1.5 लाख 2 लाख तक की मशीन है हमारे पास, जैसा बजट होगा उसी हिसाब से अपना शुरू कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपके पास 3-in-1 मशीन है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे चूंकि हमारे लिए भी नई मशीन है। देखिए सर, बहुत सारे मशीन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे जो लेटेस्ट मशीन हम लेके आए हैं 3-in-1 कॉम्बो मशीन। ये क्या है, बेसिकली क्या है कि इसके अंदर आप राइस, मसाला और आटा, इस तीनों एक ही मशीन से आप इसमें प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और इस मशीन में सबसे बड़ी खासियत की है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और इसमें 150 kg पर आवर आप चावल निकाल सकते हैं। 150 kg पर आवर चावल या 150 kg पर आवर धान? सर 150 kg धान, 150 kg मतलब पर आवर धान डालिए, उसना चावल निकालना हो, अरवा चावल निकालना हो, लंबा पतला, सोनम, आधा कच्चा आधा पक्का, जो भी निकालना चाहे इस मशीन से आप निकाल सकते हैं। 150 kg प्रोडक्शन ही देती है, उतनी क्षमता है इसमें, तो इसमें मोटर कितनी HP की लगी? कोई ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लाइन लेने की जरूरत नहीं है, 3 HP की मोटर है इसके अंदर। ऐसे तो गांव देहात में जो हालर चलता है, जो धान कूटने वाली मशीन है, काफ़ी आवाज़ करती है सर, तो क्या ये भी इसमें इसके साथ भी ये शिकायत है? आपको हम डेमो करके दिखाएंगे ना, इसमें कितनी आवाज़ है, आपको कोई डिस्टर्बेंसन नहीं है इसके अंदर, आप आराम से घर में लगा के इसका काम करिए वर्क, एक आदमी से सारा काम आपका ऑपरेट हो जाएगा, कोई इसके लिए एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं है। तो एक और मशीन हमारे सामने, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, ये ब्लोअर टाइप का ये है, ये क्या है सर? ये देखिए, बेसिकली ये जो मशीन है, ये हमने स्पेशल मसाला के लिए मंगवाया है, इसमें 200 kg पर आवर प्रोडक्शन की क्षमता है। यानी मसाले 200 kg तक ही निकाल देगी? बिल्कुल, ये 200 kg पर आवर प्रोडक्शन है, 5 HP की मोटर लगी हुई है इसके अंदर, ये 3 फेज और सिंगल फेज दोनों में आप इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है, इसके अंदर आप मसाला डालिए, जो भी मसाला बनाना है, मान लीजिए धनिया, मिर्ची, हल्दी, जो भी करके यहाँ से इसका प्रोडक्शन आपका निकलेगा, ठीक है। सिंगल फेज से चलाइए, ये 3 HP की। यानी यहाँ पर दो मशीनें हैं सर, हाँ। सिंगल फेज वाला 70 kg पर आवर देगी, हाँ। और जो ट्रिपल फेज वाली है, हाँ। वो 200 kg पर आवर। बिल्कुल बिल्कुल, 200 kg पर आवर प्रोडक्शन। सर जैसे ब्लोअर दो मशीन, दो तरह के मॉडल आपके पास उपलब्ध है, तो 3-in-1 में भी मैं देख रहा हूँ कि दो मॉडल यहाँ पर है, तो उसकी क्या खासियत है, ये दोनों में कैसे क्या क्या अंतर है? देखिए दोनों मशीन वैसे बेसिकली दोनों एक तरह की मशीन है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इस मशीन के अंदर, ये भी 3-in-1 में वर्क करेगा, ये मशीन भी 3-in-1 में वर्क करना है। इसके अंदर एक सिस्टम का फर्क ये है कि इसके अंदर हॉलर सिस्टम दे दिया है, हैमर जिसको हैमर बोलते हैं, हैमर में क्या होता है कि थोड़ी सी मजबूती आपको आ जाएगी इसके अंदर, और बेसिकली बाकी सब कुछ सेम है, कोई सब कुछ सेम फर्क नहीं। हाँ तो चलिए इस मशीन का डेमो करके दिखाते हैं आपको, एक मशीन का हम प्रॉपर डेमो करके दिखाते हैं, कैसे इसमें माल राइस निकालेंगे, कैसे आटा पीसेंगे या धनिया वगैरह कैसे मसाला वगैरह बनाएंगे, इसका प्रॉपर हम डेमो करके आपको दिखाते हैं। साथ ही कितना आवाज़ ये करेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और साउंड के बारे में जो आपने इससे पहले वीडियो में पूछा, तो वो भी हम आपको बताते हैं। जी बिल्कुल सर। तो दोस्तों अब इस मशीन का डेमो आप देखेंगे वीडियो में, और सर है, सर के हाथ में धान है, अभी धान का सीजन नहीं है इसलिए क्वांटिटी काफ़ी कम है, और अपने घर पर ले जाइएगा तो जितना हो सके उतना आप कुटिएगा। तो चलिए सर डालिए इसमें, आपको आप दिखाते हैं, ठीक है। इसमें हम आप धान डालते हैं, हाँ चालू करो स्टार्ट करो। और देख पा रहे होंगे दोस्त, ये मिनटों में ये धान की कुटाई ये मशीन कर रही है, आपके सामने है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम है धान की इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिखाया जा रहा है, और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी भी निकाल रहा है, ये देख लीजिए, ये शायद सोनम है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, देख पा रहे होंगे आप। और दोस्त सबसे खास बात लगी इस मशीन की धान कुटाई के संबंध में अगर कहा जाए, तो ये हालर वगैरह या जो देहात में धान कूटते हैं लोग मशीन के द्वारा, जो पारंपरिक मशीन है, उसमें दो बार धान को डालना होता है, लेकिन ये पहली बार में ही है चावल को अलग कर दिया। यहाँ पर जो जाली दिया हुआ है दोस्त, तो यहाँ से तो चावल निकलेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा है, तो यहाँ से छन कर जो छोटे कण होते हैं चावल के, तो वो आपको यहाँ से निकलेंगे, और पीछे जो है इसका जो भूसा है वो पीछे का ये दिया हुआ है, यहाँ से भूसे निकलेंगे। सर ने बताया था कि मसाले भी ये पीस सकती है, तो चलिए अब मसाले की पिसाई देख लेते हैं। हमारे सामने ये धनिया है सर, दिखाइए ये आपको, आप फाइनली हम धनिया मसाला बना के दिखाते हैं।
तो जो भी मसाले पिसाएंगे तो उनको तो सुखाना पड़ेगा सबसे पहले। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्या होता है कि जनरली आप जब खरीद के लाते हैं धनिया वगैरह तो थोड़ा सा सुखा नहीं रहता, नमी रहता है उसमें, नॉर्मल उसको आप नमी उसके अंदर रहता है, उसको आप आराम से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, सुखा लीजिए और उसके बाद पीसे, तो उसमें क्या होगा मसाला आपका अच्छा सा बनेगा, मतलब बिल्कुल बढ़िया सा क्वालिटी निकलेगा, क्वालिटी तो बढ़िया निकलेगा ही, लॉन्ग लाइफ भी रहेगा, ये चीज़ है क्योंकि क्वालिटी बढ़िया लेगा और लॉन्ग लाइफ भी रहेगा। तो चलिए हमारे दर्शकों को दिखाइए सर कैसे धनिया की पिसाई हो रही है इसमें। बिल्कुल आपको दिखाते हैं सर, ठीक है। तो देखिए दोस्त किस तरह की क्वालिटी ये निकाल पाती है, ये मशीन 3-in-1 है, धान की कुटाई कर रही है, आटे की पिसाई कर रही है और अभी मसाले की पिसाई कर रही है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए दोस्त, बस 2 मिनट 1 मिनट लगा है और धनिया पीस कर रेडी हो गया है और बिल्कुल ही बारीक है, बिल्कुल बारीक है दोस्त, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में धनिया पाउडर है, बिल्कुल बारीक पीस चुका है। अब सर बहुत सारी चीज़ें तो आपने बता दिया जी, बहुत सारे मशीन के बारे में जो पिसाई वाली जो मशीन है, लगभग 8 से 10 मॉडल आपने दिखाया, दिखाया और हमारे दर्शकों को भी दिखाया, वो भी समझ पा रहे होंगे, देखे भी ये डेमो भी करके दिखाया जो आपने बताया था। अब ये बताइए कि सर कि इसकी गारंटी और वारंटी कहाँ है, क्या है और कहाँ कहाँ ये आप उपलब्ध करा सकते हैं इस मशीन को? देखिए सर इसके अंदर क्या है कि जो भी मशीन आप परचेज करेंगे हमारे यहाँ से 1 साल की वारंटी है और इसमें क्या है कि अगर आपको टेक्नीशियन वगैरह चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराएंगे या तो हम वहीं पे आपको चेक करके भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इतना खास डेमो की ज़रूरत नहीं है। और प्लस क्या है कि आप हमारे मतलब ऑफिस में आइए, कंकड़बाग में हमारा ऑफिस है स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्रीज़ के नाम से, डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर भी शो कर रहा है, वहाँ आप कॉन्टैक्ट करिए, आइए, जो विस्तृत जानकारी है वो लीजिए यहाँ से आके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों झा सर ने बहुत अच्छी तरीके से इस मशीन के बारे में आपको बताया, बहुत सारे मशीन यहाँ पर हैं, तो अपना अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं घर पर बैठ करके भी, अपने घर से एक छोटा सा लघु उद्योग करना चाहते हैं तो ये मशीन आप अगर यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर सर का नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ का कम्प्लीट एड्रेस भी रहेगा, तो आप संपर्क कीजिए और विजिट कीजिए, बेहतर से बेहतर गाइडलाइंस आपको यहां से मिलेगी। तो आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहिएगा दोस्त ग्रोमा इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए